कॉफी के बीन्स होते हैं, उन बीन्स को ग्राइंड करते हैं और फिर उसको ब्रू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज जो हम तरीका डिस्कस करेंगे वो सबसे आसान, मेरे ख्याल में सबसे आसान है। बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ें क्लेम करते हैं, फ्रेंच प्रेस भी होता है, बॉका पॉट भी होता है, एरो प्रेस भी होता है और केमेक्स भी होता है, पोर ओवर भी होता है, तो ये सारे होम ब्रूइंग के डिफरेंट तरीके हैं। मैं ये इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसके अंदर मेजरमेंट्स कम से कम करनी पड़ती है, बहुत जल्दी बंदा सीख जाता है, बहुत पुराना मेथड है, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर और इन्वेस्टमेंट सबसे कम। सही। इटली का मौका पॉट लेंगे तो 20, 25, 30, 40 हजार तक भी आएगा। चाइना का लेंगे तो 4000 से शुरू होगा, जो कि ये है चाइना का मौका पॉट जो मैं एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4000 की इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद बस फिर आपने कॉफी ग्राइंड लेना है और अपने घर में कॉफी बनाना शुरू। ये जो ग्राइंड है वो कहीं से कैसा भी ले लें, ये आम सुपरमार्केट से आप ले सकते हैं। वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक चीज होती है फ्रेश रोस्ट। अब पाकिस्तान में कॉफी रोस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं जो फ्रेश बीन्स को रोस्ट करते हैं, तो आप उनसे लेंगे तो फ्रेश रोस्ट होगा। और उनको आप बताएंगे कि आपको ग्राइंड चाहिए, क्योंकि इसका कितना पतला ग्राइंड होता है वो डिपेंड करता है बनाने के मेथड पे, तो इसके लिए थोड़ा फाइन चाहिए होता है। तो आप उनसे जब लेंगे तो आप कहेंगे आपको फाइन ग्राइंड चाहिए, तो ये फाइन हो गया। जैसे ये है, अब ये मैं आपके हाथ में जरा से देता हूँ ना, तो आप इसको देखें, ये ओके, ये बिल्कुल पाउडर। अब ये जो है, ये जद्दा गया था मैं 2 हफ्ते पहले, इसलिए गंजा हुआ हूँ। हाँ, हाँ, उम्रा भी कर लिया। वाह, माशाल्लाह। वर्क असाइनमेंट पे गया था। अच्छा, वर्क असाइनमेंट पे गया था। हाँ, और उम्रा करके आ गया था, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉफी शॉप एक्सप्लोर किए। ये वहाँ का एक रोस्टर है फाइन ग्राइंड के नाम से, तो मुझे चांस मिला रोस्टिंग प्लांट पे जाके रोस्टिंग देखने का। फिर वहाँ से जो सबसे ज्यादा जिसकी खुशबू आ रही थी वो उन्होंने मुझे बहुत मुझे पसंद आया, तो उन्होंने दिया मुझे ये फाइन ग्राइंड। अगर हम जद्दा जाएं तो इस तरह की पैकेजिंग, तो फाइन ग्राइंड का इथियोपिया का ये ब्लेंड है। आजकल मैं इसी से कॉफी बना रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। यहीं पे वो भी ले आया हूँ आप लोगों के लिए भी, आजकल मेरा फेवरेट है। हम भी आज ये वाली कॉफी पीने वाले हैं, पीने वाले हैं। जबरदस्त। तो क्या हुआ, दोबारा से आ जाते हैं मौका पॉट जी। तो ट्रेडिशनल मौका पॉट की शक्ल ये होती है, इसमें 3 कप वाला भी आता है, 6 कप वाला भी आता है, ठीक है। ये 6 कप वाला है और ये जो है ये जरा मॉडर्न वर्जन है इसका, जो स्टील का होता है। दूर से देखने में कभी कभी लोग समझते हैं कि मौका पॉट तो नहीं हुआ, मौका पॉट की तो शक्ल हमेशा ऐसी होती है, लेकिन ये भी मौका पॉट है और ये आज हम ये वाला यूज करने वाले हैं। तो चलिए फौरन से आते हैं इसमें। बिल्कुल, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ये एक तो ऊपर का ये पार्ट हमने अलग कर दिया, फिर आप ये देखा आपने, ये इसकी बास्केट है, ठीक है ना। अब ये आपको यहाँ पे निशान नजर आ रहा है ना, इस निशान तक आपको पानी भरना है। ये ले, मैं पानी भरूं? हाँ, हम दोनों मिलके बनाएंगे ना। अच्छा, आप मुझे बता देंगे? हाँ, ये निशान है, उस निशान पे जाके आगे दे, आगे दे, आगे दे, और थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, 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 बस। अब ये देखा, ये निशान था ना, ये जो बाहर है ना, ये निशान ये अंदर से भी नजर आ रहा है, ये निशान, ये देखे, ये नजर आ रहा है। बस इसकी यहाँ तक ला के इसको रोक दिया तो ये हो गया पहला स्टेप, आसान सा, ठीक है। कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। हाँ, अब ये बास्केट लगाए इसके ऊपर, ठीक है, और इसमें आप ये स्कूप डालना शुरू करें जब तक ये भर न जाए। अच्छा, जब तक भर नहीं जाए। हाँ, बस तो इसमें ये है कि मेजरमेंट जो है ना वो नाप तोल ये सब नहीं करना है। हाँ, बस डालते हैं इसके अंदर, ये आपने डाल दिया, ये मैं ऐसे करता रहूंगा, आप डालते रहिए इसके ऊपर। तो ये है ग्राउंड कॉफी, खुशबू ऑलरेडी आ रही है, ये इथियोपिया की है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गिरता है बाहर, नहीं नहीं आप करते रहें, मैं इसको ऐसे टैप करता रहूंगा जैसे आप देख रहे हैं ना, मैं इस पे डालें और टैप करें। एक्चुअली मेरा 5-year-old grandson जो है नवासा, वो भी बना सकता है ये कॉफी, और संडे को बनाते हैं मेरे साथ और पूरा काम खुद कर लेता है, तो इसमें सोचे ना इससे ज्यादा आसान क्या होगा। और बस हो गया ये, चलो कि ये इसको टैप करना है, दबाना नहीं है जोर से, बस ये ख्याल रखना। कभी लोग इसको दबाना शुरू कर देते हैं तो ये इतनी इसको ऐसे ऐसे करके टैप कर दिया, साइड से ये इसके हटा दिया, आपको टिश्यू दूं और थोड़ा सा और डाल दें, अच्छा थोड़ी और, हाँ 6 कप निकलने वाले हैं इससे। हाँ, और वो जो 6 कप निकलेंगे वो आपका होगा ब्लैक कॉफी का शॉट, बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉफी का शॉट निकलने वाला है इसपे से। और फिर उसको वो अभी हम बात करते हैं, इसको चूल्हे पे रख के बाकी। अब आपने इसको इसके ऊपर ये कर दिया, ये देखा आपने क्या हुआ, ये हमने इसको टाइट कर दिया और ये चूल्हा, गैस आ रही है भाई, इधर कितने लगी है लोग, बिजली गैस पानी सब आ रहे हैं। हाँ, ये चूल्हा तो थोड़ा सा जला के रखा था हमने पहले से, अब हमने इसकी ये, अब इसको आपने धीमी आंच पर रख दिया। अच्छा। अब ये ऊपर आपको नजर आ रही है इसके, ये जो निकली हुई है नोजल जैसी, तो ये है मैजिक इसका,
ठीक है। तो जनरली जो कॉफी मशीन होती है ना, कमर्शियल मशीन, ये समझे उसका उल्टा है। उसमें क्या होता है कि आप कॉफी, ग्राउंड कॉफी यूं करके पोर्टर फिल्टर में डालते हैं, ऊपर से पानी आता है, गर्म पानी प्रेशर के साथ, और नीचे से शॉट निकलता है। ये उसका उल्टा मैकेनिज्म है। बहुत ही जबरदस्त इजाद है ये, बहुत पुरानी। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे वाले पॉट में पानी बॉइल हो रहा है, तो पानी बॉइल होगा तो क्या होगा, स्टीम बनेगी। जब स्टीम बनेगी तो आपने देखा था बास्केट के नीचे छोटी सी एक ट्यूब जा रही थी, उस ट्यूब से स्टीम पानी पुश होगा ऊपर बॉइल होके, और उस कॉफी के ग्राउंड में से गुजर के यहाँ से निकलेगा ऊपर से, और वो होगा उसको, इसीलिए इसको मैजिक पॉट भी कहते हैं कि बिल्कुल मैजिक की तरह हो जाएगा कि थोड़ी देर में यहाँ से ऊपर से कॉफी निकलना शुरू। अच्छा, इसमें कहाँ है वो? ये इसके ऊपर है, छोटा सा दोनों तरफ। बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए, ये ऊपर से कॉफी निकलना शुरू हो गई। सही है। क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं? किस तरह? इनको मैजिक मोमेंट नजर आए। सही है, टॉप शॉट आ रहा है। ठीक है, ये जो है कॉफी निकलना शुरू हो गई ऊपर से और इस पॉट के अंदर भरना शुरू हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये नजर आ रहा है ऊपर से कि क्या हो रहा है इसके अंदर। कमाल हो रहा है। और ये ऐसे 30 ml के 6 कप्स, 30 ml के 6 कप्स निकलने वाले हैं इसमें से। अब इनको क्या करना है 6 कप्स निकालने के बाद बताइए। अगर आपने ब्लैक पीनी है तो एज इट निकाला और शॉट पी लिया, जबरदस्त सा खुशबू देखा, खुशबू तो जबरदस्त, खुशबू सुनेंगे आप लोग भी ऑडियंस, फील हो रहा है ना तो, और आवाज आ रही है हल्की सी करके जो आपको आ रही है, उसका भी एक मैजिक है, खुशबू आवाज और नजर भी आ रही है ब्लैक, अच्छी सी कॉफी निकलते हुए। तो इसमें ये भी मैं अपने घर से मेरा फेवरेट एस्प्रेसो शॉट का कप। तो ये अब देखें, ये जो मोमेंट है ना, अब ये स्प्लटर करना शुरू हो गई। उस वक्त आपको चाहिए कि आप इसको एकदम स्लो कर दें या इसको हटा दें। आपने भी कम किया गैस? हाँ, कम किया गैस। ठीक है। अच्छा, पहले तो वन शुड स्टैंड हियर ना? हाँ, मीडियम पे था पहले। अब जब ये स्प्लटर करने लगे ना यूं करके, तो इसका मतलब अब ये हो गया है काम। और इसमें भी आप 2-3 दफा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर अभी मैं इसको हटा लूं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर थोड़ी देर इसको और रहने दूं तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड हो रहा है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने अगर एक ही स्ट्रॉन्ग सा 2 कप पीने हैं तो आपने ये जैसी 2 कप आपको नजर आया आपने हटा लिया, वरना आप इसमें से निकलने दिया आपने 6 शॉट पूरे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, या तो ब्लैक पी लिया आपने, ये बेसिकली फाउंडेशन तैयार हो गया आपकी कॉफी की। हर कॉफी की फाउंडेशन होती है एस्प्रेसो, ब्लैक कॉफी। हर कॉफी पहले ऐसे बनेगी। हाँ, पहले एस्प्रेसो शॉट। अब आपके पास जब ये शॉट आ गया ना, अब आपके पास सारी वैरायटी मौजूद है। अब आपने इसको आइस और दूध के ऊपर डाल दिया तो आइस लाटे बन गई। आपने इसको ब्लेंडर में डाल के उसके ऊपर चॉकलेट पाउडर डाल के दूध डाल के बर्फ डाल के ब्लेंड कर दिया तो आइस मोका बन गया, जो कि कॉफी और चॉकलेट का मिक्स होता है, वो आइस मोका होता है। अगर आपके पास फ्रॉथर है घर में तो इसके ऊपर आप फ्रॉथ किया हुआ मिल्क, फ्रॉथर क्या होता है, एक तो छोटा सा हैंड फ्रॉथर आता है और दूसरा एक फ्रेंच प्रेस होता है जिसमें, अब ये देखें स्प्लेंडर करना शुरू कर दिया। तो अब हमने इसको अब हमने इसको बंद कर दिया, अब हमने इसको साइड पर कर दिया। अभी हम इसको पोर करेंगे। हाँ, अब हम इसको पोर करेंगे तो वो भी हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको क्लियर हो जाए। तो ये है आपकी, अरे वाह, घर में तैयार। अब अगर ब्लैक कॉफी तो ज्यादातर लोग नहीं पीते हैं तो इसमें आप गर्म दूध डाल दें तो जैसे इंस्टेंट कॉफी घर में आप बनाते हैं, फर्क ये हो गया कि वो जो आपने पानी में इंस्टेंट पाउडर मिलाया था उसकी बजाय ये आपकी बेस आ गई, इसके ऊपर आपने जितना मर्जी दूध ऐड कर दिया, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोपोर्शंस के, कितना स्ट्रॉन्ग कितना लाइट, चीनी ऐड कर दिया, क्रीम ऐड कर दिया। आजकल सर्दी चीनो एक बड़ी पॉपुलर ड्रिंक है जिसमें गुड़ और हल्दी डलती है और ऊपर थोड़ा सा जिंजर भी डलता है, सैफरान भी डलता है, तो सर्दी चीनो बन जाती है। दूध, हल्दी, सैफरान, जिंजर कॉफी में? हाँ हाँ, वो एक है ना पागल लोग कॉफी वाले, वो आजकल सर्दी चीनो बना के बेचते हैं। सही है, सही है। तो उसमें बेस में, कॉफी की बेस में वो लोग मिक्स करते हैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गुड़,
और जब कॉफी बन जाती है हल्दी गुड़ और गुड़ अंदर बेस में मिक्स होता है दूध के साथ फ्रॉथ करते वक्त और फिर ऊपर उसके हल्का सा जिंजर रख देते हैं थोड़ा सा जाफरान रख देते हैं और खजूर के साथ सर्व करते हैं और सर्दी चीनो कहते हैं। अब जाहिर है वो सारी पांचों इंग्रेडिएंट बड़े हेल्दी हैं तो वो बड़ी पॉपुलर है।